नमस्कार, मैं हूं सत्यनारायण शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर खबर एक्सप्रेस न्यूज। और मध्य प्रदेश के सागर की दहली पे आज की शाम जो रंगीन होने वाली है, कवियों से जो ये मंच पूरा भरा आपको दिखाई देगा, उनमें से एक कवि से हम आपको मुखातिब करा रहे हैं जिनका नाम अखिलेश द्विवेदी है। उत्तर प्रदेश की धरती से चल के आए हैं, माँ गंगा के पवित्र तट से चलकर माँ सुना नदी के पवित्र तट पर उन्होंने अपनी उपस्थिति दी है और आज शाम को यह कार्यक्रम होगा। हम सीधे आपको द्विवेदी से मुखातिब करा रहे हैं। भाई साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर जी। नमस्ते, आप सबका अभिवादन है अखिलेश द्विवेदी की तरफ से। भाई साहब, माँ गंगा के पवित्र तट से चलकर माँ सुना नदी के पवित्र तट पर उपस्थिति हुई है, आज का जो कार्यक्रम का माहौल है वो किस प्रकार का रहेगा? जी, माँ गंगा ही नहीं, मैं गंगा, यमुना और लुप्त प्राय सरस्वती के तट से आया हूँ। संगम की नगरी प्रयागराज से आपके माँ सुनार नदी के तट पर आया हूँ और यह संयोग है कि मैं 2500-3000 प्रोग्राम करने के बाद पहला मेरा संयोग है कि मैं आपके समक्ष आज आ पाया हूँ। कविता बहुत हास्य होती है जी, जनता को बहुत पसंद आती है जी, क्या कहें? ये है, देखिए मैं आपको बताऊं कि इस समय हर आदमी किसी न किसी व्यथा से परेशान है, तो हम उन व्यथाओं में से कुछ ऐसी शब्दावली निकालते हैं, ऐसा कुछ संस्मरण आपके सामने रखते हैं जिससे कि आदमी कुछ देर के लिए अपने तमाम दुखों को भूलकर हंसने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुला कर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे, हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। क्या बात है, और हम चाहेंगे कि एक वो हास्य की भी आप कविता सुना दें जो जिस पे आप लोकप्रिय हुए और जनता आपसे मोहब्बत करने लगी। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान। देखिए ये है, हम कभी राजनीतिकों के गतिविधियों से निकालते हैं हास्य, कभी समाज में बड़े लोग ऐसा कर जाते हैं कि उनसे हमको हास्य का मसाला मिलता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि या जैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन से भी हास्य निकालने का प्रयास करते हैं, जैसे मेरी उम्र 65 साल है, और मैं फिल्मी तारिकाओं से, सिनेमा की अभिनेत्रियों से बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए कि अभिनेत्रियां शायद देखने लायक हैं। तब वहां से एक छंद पढ़ता हूँ, मैं अपनी पत्नी को थोड़ा उसमें उपेक्षा का भाव रखता हूँ और कहता हूँ कि मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी, मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई कैसे आएगी, माया जैसी काया लेके कालिमा डटी हुई है, यह पत्नी के लिए कह रहा हूँ कि माया जैसी काया लेके कालिमा डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी, और कैटरीना या करीना मल्लिका बिपाशा जैसी हाई फाई दूसरी लुगाई कैसे आएगी। तो इस तरह से हम लोग बनाया करते हैं। और एक कुछ नेताओं के ऊपर भी आपने एक बहुत खास बयान, वो बहुत वायरल हुआ था जी। मैंने जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे पद पर, तो मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी छोड़ दी है, तो वहां से मैंने एक हास्य का पुट उठाने का प्रयास किया है कि मोदी जी के बारे में मैं ये कहना नहीं चाहिए, देश के बहुत ही कर्मठ, बहुत ही समृद्धशाली, बहुत ही विकासोन्मुख प्रधानमंत्री हैं, शायद आजादी के बाद से सर्वाधिक विकास को अगर गति दिया है तो मोदी जी ने दिया है। लेकिन हास्य का कवि जो है वो अपने हिसाब से समझता है, वो अब कहता है कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया है जो वो मंत्री बने, और जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी वो अपने देश में प्रधानमंत्री बने। तो ये थे हमारे साथ अखिलेश द्विवेदी और ये धमाल आज शाम को आपको 7 बजे देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली की माँ सुनान नदी के पवित्र तट पर, और कवियों से रंगारंग भरा यह मंच होगा। अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहिए।